नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुजेट। जनपद आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की लूट का खुलासा मंटोला पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने लूट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जनपद आगरा, एटा और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। बताते चले कि मंटोला थाना क्षेत्र में यमुना किनारे रोड पर कोरियर कर्मी के साथ 2 बाइक सवार पर 4 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी आगरा के मुताबिक मंटोला थाना क्षेत्र में कोरियर कर्मी के साथ लाखों रुपए की लूट का खुलासा करने के साथ साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस को 35 लाख रुपए की लूट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने तत्काल खुलासे के लिए टीमों का गठन किया था। इस मामले में आरोपियों से 2,17,000 रुपए नगद और लूट की घटना में शामिल मोटरसाइकिल और लूट के पैसों से खरीदी गई नई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को लिखा पढ़ी करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं इस मामले में पुलिस आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। समाचार जेट के लिए आगरा से मोहम्मद सफीक की रिपोर्ट। साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, आज हमारी थाना मंटोला की टीम और सर्विलांस टीम और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग के द्वारा जनपद में हुई एक बड़ी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए उसमें संलिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से लूट की रकम करीब 2,17,000 रुपये बरामद की गई है और इनके पास से कुल 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी और 1 मोटरसाइकिल लूटे गए रकम से खरीदी गई थी। जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा, दिनांक 2 मार्च को जनपद के शहर के प्रमुख थाने मंटोला के भीड़भाड़ इलाके में मॉर्निंग के समय एक कुरियर कर्मचारी प्रकाश से 4 व्यक्तियों ने 2-2 मोटरसाइकिल पर आकर छीना झपटी कर लूटपाट की घटना की थी। उसके पास से पार्सल के बैग छीन लिए थे, 2 मोबाइल छीन लिए थे और कुल 15,000 रुपये भी छीन लिए थे। तत्काल घटना की जो है सेंसिटिविटी को देखते हुए एसपी सिटी के निर्देशन में सीओ छत्ता और हमारी थाना स्थानीय की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने काम करना शुरू किया था। हमारी पूछताछ में जानकारी में ये प्राप्त हुआ कि इसमें कई अपराधी संलिप्त हैं और उन्हीं मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने कल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 1 व्यक्ति जिसने रेकी की है, 2 मेन अभियुक्त जो इस पूरी घटना को प्लान किए थे, कुल 11 लोगों में से 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसके गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। लूटी की रकम सर कितनी थी, कितनी रकम उन्होंने लूटी थी? अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पूरी पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि जो लूट की गई पार्सल थी, बैग था, उसमें कुल 35 लाख रुपये मौजूद थे, जिसका कि बंटवारा इन अभियुक्तों ने कर लिया है। उसमें से लूट की करीब 2,17,000 रुपये बरामद हो गए हैं और 1 मोटरसाइकिल जो इन्होंने खरीदा था उसको भी बरामद कर लिया गया है। शेष माल की बरामदगी के लिए और अन्य 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये सर जो बदमाश पकड़े गए, प्रोफाइल क्या है इनका, किस तरह के बदमाश है, क्या अपराधिक इतिहास क्या है इनका? इनमें से कुल जो 11 लोग प्रकाश में आए हैं, उनमें से कुछ सादाबाद के, कुछ फिरोजाबाद के, कुछ एटा के और कुछ अपने जनपद आगरा के हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर रेकी कर सूचना प्राप्त करके जो है प्लान करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जो है फिरोजाबाद के 2 मेन अभियुक्त जो है अभी गिरफ्तारी के लिए शेष हैं। इन पे पूर्व में भी लूट के कुछ मुकदमे प्रकाश में आए हैं।